नियरेस्ट है बठिंडा, बठिंडा जाने के लिए। हाँ सीधा ना, थैंक यू। हाँ सीधा सीधा जाके अगला बाईपास आएगा, उससे यूं यूं इधर कोई भटिंडा नहीं बोलता, पटिंडे पटिंडे जाना, पटिंडे। सो वी आर 100 किलोमीटर्स बिफोर सरदार शहर राजस्थान। सो यहाँ पे मेरी बाइक का पंचर हो गया था, पंचर 10 किलोमीटर पहले ही हो गया था, तो हवा चक्कर आते फिर वह बार बार कम हो रही थी, तो यहाँ पर आके हमने अपना पंचर बनवाया। श्री विश्वकर्मा टायर पंचर। गाड़ी देखे तो पहले ही मना कर देते सब, यहाँ पे वैसे ही हुआ कि गाड़ी देखते ही कहती कि हम तो नहीं खोल पाएंगे टायर, बट वी न्यू हाउ टू फिक्स दैट एंड हाउ टू रिमूव आवर टायर, सो वी हेल्प्ड हिम एंड वी गॉट इट डन। चलो भैया और हमने उनको भी सिखा दिया है। हाँ ऊँट 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 हेमंत आराम से भाई, वेलकम टू राजस्थान। यहाँ पे तो ऊँट की गाड़ी, आगे तो आपको ऐसे छुट्टा ऊँट दिखेंगे, 2015 में हमें दिखे थे। शाम का समय है, अब स्पीड करनी पड़ेगी आधी 120 से 60। तो फिर यहाँ पे ये विश्वकर्मा भाई को हमने सिखा दिया है कि कैसे पंचर बनाया जाता है, कैसे डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी का टायर खोला जाता है और फिक्स किया जाता है। और हमने उनसे ये भी कहा है कि आगे हमारे जो भाई आएंगे उनकी आप मदद करना ज़रूर। बराबर गिरेगा ना पानी, ये हमारी फुसफुस बॉटल, पूरे रास्ते इसने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ये फुसफुस डायरेक्ट। बस हो गया
चट, और इसको हम ऐसे करके पी भी सकते हैं। सो दिस इज ये हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त ने हमें गिफ्ट दिया था कि आप राइड पर जाते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, स्पेशली इन द स्कॉर्चिंग हीट लाइक टुडे। जहाँ हम रुकते इसे अपने चेहरे पर मार लेते हैं, रात के वक्त अपनी हेडलाइट्स पर मारते हैं, अपने गोप्रो पे, अपने हेलमेट वाइजर पर, मल्टीपर्पज़ है। चलिए ऑल सेट, चलिए यार लूज लग रही, चलो रुकेंगे आज तो देखते हैं। खट खुट आवाज, कितने की एवरेज देता है ये? एवरेज एवरेज 15-20 कम है बहुत एवरेज। हाँ कार देता है इतना एवरेज, कार भी मेरा इतना ही देता है 15। ये ज़्यादा भागता है ना? हाँ ज़्यादा के पीछे, ये ज़्यादा भागता है, ये 160-170 जाता है, ये 130। भाई रुको रुको रुको, हेमंत लेफ्ट में आ जा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ इस कदर इन रातों में मैं तन्हा जाग रहा हूँ, कुछ इस कदर इन रातों में मैं तन्हा जाग रहा हूँ। ये सफ़र का नशा और मंजिल की ख्वाहिश जिसके पीछे इस कदर मैं भाग रहा हूँ।